हम बात कर रहे हैं सोनकच विधानसभा के ग्राम सुरजना स्थित काली सिंध नदी की, जहां पर पुलिया नहीं होने के लिए ग्रामीणों को आने जाने के लिए जान जोखिम में डालकर नाव में बैठकर नदी पार करना पड़ रही है। आपको बता दें कि काली सिंध नदी सोनकच विधानसभा को दो भागों में बांटती है। नदी के एक तरफ टोंक खुर्द तहसील के गांव हैं, तो दूसरी तरफ सोनकच तहसील के गांव हैं। नदी पर पुलिया नहीं होने से दोनों तहसील के 50 गांव प्रभावित हो रहे हैं। इन दोनों तहसीलों के गांवों के बीच की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है, किंतु नदी में पानी होने से लोगों को बेराखेड़ी फाटे से होकर 50 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, या फिर नदी में चलने वाली नावों में जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ता है, जिससे हादसे का लगा रहता है। दोनों तहसीलों के लोग वर्षों से ग्राम सुरजना में काली सिंध नदी पर पुलिया बनाने की मांग प्रशासन तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से कर रहे हैं, किंतु अभी तक महज आश्वासन ही लोगों को मिलते आए हैं। पीपरड्रामा निवासी सतीश भावसर ने बताया कि नदी पर पुलिया नहीं होने से दोनों तहसीलों के 50 गांवों के हजारों लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। लोग जान जोखिम में डालकर नाव में बैठकर नदी पार कर रहे हैं। मामले में ब्रिज कॉरपोरेशन के SDO RK कटारिया का कहना है कि हमने पुलिया के लिए 9,71,00,000 का एस्टिमेट बनाकर शासन को स्वीकृति के लिए भेजा है। शासन स्तर से स्वीकृत होने के लिए पुलिया का निर्माण हो पाएगा। जब इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक तथा पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा से चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि सुरजना गांव तक जो सड़क बनी है वो सज्जन वर्मा की ही देन है। भाजपा के आज तक कितने ही सांसद बने, कितने ही विधायक बने, किंतु उन्होंने सुरजना में एक ईंट भी नहीं लगवाई। विधायक वर्मा ने आश्वासन देते हुए बताया कि सज्जन वर्मा की सरकार आएगी तो सुरजना में पुलिया बनाई जाएगी। काली सिंध नदी पर आज तक नहीं पुलिया बनी, दो तहसीलों के 50 गांवों को लेकर हो रही परेशानी, जान जोखिम में डालकर नाव में बैठकर नदी पार करने को मजबूर ग्रामीण, पुलिया नहीं होने से 10 किलोमीटर जाने के लिए लगाना पड़ता है 50 किलोमीटर का चक्कर, आखिर कब बनेगी नदी पर पुलिया। सज्जन वर्मा ने और कांग्रेस ने बनाई है, कई सांसद रह लिए यहाँ, कई विधायक बीजेपी के, सुरजना गाँव का व्यक्ति बता नहीं सकता कि एक ईंट भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद या विधायक ने लगाई हो। जो भी काम हुआ है सज्जन वर्मा की वजह से हुआ है, और सज्जन वर्मा की सरकार आएगी फिर ये पुल निश्चित रूप से। ये साहब ग्राम सुरजना की नदी काली सिंध है, यहाँ विगत कई वर्षों से आवागमन की समस्या 50 गाँव के लोगों को आ रही है। हमने प्रशासन सरकार से बार बार अनुरोध किया है कि इस नदी पर पुलिया निर्माण हो, जिससे आवागमन सहज हो। साथ ही साथ 40 किलोमीटर का चक्कर लगाकर पीपरवा क्षेत्र में आना पड़ता है, और साथ ही साथ जो भी अकस्मात अस्पताल की आवश्यकता होती है मरीजों को, उसके लिए भी 40 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। हम शासन से अनुरोध करते हैं कि इस काली सिंध नदी पर भव्य पुलिया का निर्माण हो, अतिशीघ्र 50 गांवों के लोगों को यहाँ पर एक सुव्यवस्था मिलेगी आवागमन हेतु, यही अनुरोध है।